हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है सैटरडे और प्रिशा ने ये वाला ड्रेस पहना है जिसके मामा ने दिया था। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है उसे, लेकिन बड़ा लेना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बच्चे कपड़े तुरंत छोटे हो जाते हैं, बट ठीक है। शी इज लुकिंग सुपर क्यूट, है ना ये भी? है ना। प्रिशा अभी जस्ट सो के उठी है और अभी हो रहा है 4:30 और प्रिशा के पापा भी आज घर पे हैं। तो गाइज मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई थी एक्चुअली। वैभव ने केला ले आया था घर पे तो मैं केला खा ली, इसके लिए मुझे सर्दी हो गई है। एनी ट्राई कर लूँगी होम रेमेडीज़ तो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और लास्ट वीक ऑफ जनवरी में भी हमें नागपुर जाना है मेरे इन लॉज के प्लेस पर। उन लोग ने कुछ फंक्शन रखा है प्रिशा के लिए, तो इसलिए हमें वहाँ पे भी जाना है। प्रिशा आई डोंट नो हाउ शी विल रिएक्ट इन फ्लाइट, और कार में तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और यहाँ से एयरपोर्ट इज़ लाइक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट 1 आवर तो लग ही जाते हैं। 1 घंटा प्रिशा को कार में लेके जाना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, कैसे वो जाएगी। बट एनी वेज जाना तो है ही, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट प्राइस से कुछ शॉपिंग भी की थी प्रिशा के लिए। एक्चुअली वहाँ पे ठंड है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके लिए स्वेटशर्ट वगैरह कुछ लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल अभी जा रही हूँ चाय वगैरह बनाने के लिए। ओके गाइस, तो प्रिशा के लिए आजकल शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे तो बस मौका मिलना चाहिए प्रिशा के कपड़े खरीदने के लिए, टॉयज़ खरीदने के लिए, तो हर 10 से 15 दिन में मैं प्रिशा के लिए कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ। और मेरा मन भी करता है, बेबी गर्ल हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदने का मन करता है। इनके ड्रेसेज ही इतने सारे क्यूट क्यूट से ड्रेसेज होते हैं, बेबी बॉय के तो बहुत कम ही ऑप्शन होते हैं, इसलिए मुझे शुरू से बेबी गर्ल ही चाहिए थी। तो मैं दिखाती हूँ प्रिशा के लिए मैंने क्या क्या लिया है। वैसे हमारा, मेरा और वैभव का शॉपिंग तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैंने अपने लिए शॉपिंग कब की थी। तो अब तो यही होता है, बच्चा आने के बाद यही होता है। आपके साथ ऐसा होता है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो नागपुर में ऐसे बहुत ज़्यादा ठंड है के लिए स्वेटशर्ट लिया है, क्योंकि 5 दिन के लिए हम जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ठंडे कपड़े लेना आई डोंट थिंक इट्स गुड आइडिया। तो मैंने इस टाइप के स्वेटशर्ट लिए हैं इसके लिए। तो ये थोड़ा सा वॉर्म है, येलो कलर का है, तो ये मैंने इसको पहले भी पहना चुकी हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं जो भी कपड़े वगैरह जो भी आते हैं ना तो मैं उसको पहना ही देती हूँ। तो ये वाला मैंने इसको हाफ बर्थडे में पहनाया था, तो यहाँ पिक्चर भी आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो, उसका हैंडल भी मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ये 6 to 9 months के लिए लिया है, वैसे प्रिशा को अभी फिट आ जाता है, तो आप भी कोशिश करिए कि थोड़ा बड़ा लेने का ताकि थोड़े दिन चल जाए, क्योंकि अब उसी साइज का लेते हैं तो बहुत जल्दी ना छोटा हो जाता है। और मैंने एक पिंक कलर का, ऑब्वियसली मुझे पिंक कलर तो लेना ही था, तो ये वाला है दूसरा, तो इसमें आउल बना हुआ है, ये भी काफी सुंदर सा है, इसको भी मैंने पहनाया था। ये है 6 to 9 month के लिए, तो ये थोड़ा छोटा है बट अभी प्रिशा को फिट आ रहा है, तो ये वाला सेकेंड स्वेटशर्ट है। मैंने ऐसे वाले टाइट्स लिए हैं इसके लिए, तो ये कुछ भी कपड़े जो भी ये पहनती है उसके नीचे ये वाले टाइट्स आप बच्चे को पहना सकते हो, तो ये थोड़ा वार्म फील कराता है बच्चे को, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें लेग्स वगैरह सब कुछ ढक जाता है। तो ये वाला है, ये भी मैंने पहनाया था उसे, तो काफ़ी अच्छा लगता है, स्मार्ट लुक देता है। मैंने एक टी शर्ट और पैंट का सेट लिया था, तो ये वाला टी शर्ट है और ये इसने मकर संक्रांति पे पहना था, तो फर्स्ट ट्राई पे अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, 70% ऑफ चल रहा है, तो अगर आपको भी लेना है तो अपने बच्चों के लिए तो आप वो वहाँ से ले सकते हो। वैसे दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो गाइज, ये सारे कपड़े वगैरह जो भी मैंने लिए हैं वो मैंने अपने पैसों से लिए हैं। फर्स्ट ट्राई पीपल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे स्पॉन्सर कर सकते हो, आई कैन डू दैट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रिशा की आवाज़ आपको आ रही होगी, शी इज़ जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू मी, उसको मम्मा के पास ही रहना है। तो अभी 5:30 हो रहा है, मुझे वैभव ने काम दिया है कि मेरा काम कुछ कर दो, बट मुझे अभी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, प्रिशा मुझे करने नहीं देगी, तो मेरे पास अच्छा ऑप्शन मिल जाता है उसे बताने का कि मैं अभी नहीं कर रही, प्रिशा मुझे टाइम नहीं देगी। और लास्ट वाला वीडियो एक्चुअली थोड़ा सा एडिटिंग में उसमें प्रॉब्लम आ गई थी अगर आपने देखा होगा तो, क्योंकि मैं पहले मोवावी सॉफ्टवेयर यूज़ करती थी, दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि उसके रिजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है बनने के बाद। तो मैं अभी प्रीमियर प्रो में शिफ्ट हुई हूँ, तो वो जब जस्ट पहला ही वीडियो मैंने एडिट किया था, अभी जस्ट रिसेंटली मैंने सीखा है, तो थोड़े बहुत यार मिस्टेक्स हो जाते हैं, काइंडली इग्नोर दैट प्लीज़। लगता है यार कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे पहले
पहले जमाने में लोग चार चार पांच पांच बच्चे कर लेते थे, मुझे तो एक ही से इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। ओ गॉड, एक बच्चा संभालना इज टू टफ यार। पहले के जमाने में पता नहीं, हैंड्स ऑफ टू दोज गाइज यार, चार चार पांच पांच बच्चे पता नहीं कैसे संभाल लेते थे। प्रिशा का कोई टाइम टेबल नहीं है, प्रिशा इज सो टू मच नॉटी, उसे सिर्फ मम्मा पापा की गोदी चाहिए, बाकी कोई भी ले ले उसे, उस काम वाली ले ले या अगल बगल वाले लोग ले लें, उसे बिल्कुल भी नहीं जाना है, उसे सिर्फ मम्मा पापा ही चाहिए। अभी पता नहीं वो नागपुर में कैसे रिएक्ट करने वाली है, बहुत सारे लोग होंगे। ओके, तो वीकेंड था तो वैभव समोसा लेके आए थे। वैसे हम बाहर का अनहेल्दी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, काफ़ी टाइम के बाद हम समोसा खा रहे थे। और यहाँ है एवोकाडो, तो वैभव एवोकाडो भी लेके आए थे। बहुत बुरा लगता है जब आप महंगा कुछ चीज़ लाते हो और ऐसे सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाया है और आप देख सकते हो मैं कितना कम चाय लेती हूँ। एक्चुअली जब वैभव के लिए बनाती हूँ तभी मैं थोड़ा बहुत कभी कभार ले लेती हूँ, तो आज मैंने हाफ कप ही चाय लिया है। ओके गाइस, तो मैंने अभी बिग बास्केट से ये सारी सब्जियाँ मंगवाई है। एक्चुअली वैभव को बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं प्रेफर करती हूँ सब्जी बिग बास्केट से ही मंगवा लूँ। तो ये सारी सब्जियाँ हैं और कुछ एक चीज़ें भी हैं, मैं आपको शो करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मंगवाया है ये हैंड जूसर प्रिशा के लिए, जूस वूस निकालने के लिए मुझे कुछ चाहिए था तो मैंने ये वाला जूसर मंगवाया है क्रिस्टल का। तो ये मुझे पड़ा है 170 रुपीज़ का। फिर ये है रेडिस मूली, फिर मुझे एक जीरा पाउडर भी चाहिए था, मेरा जीरा पाउडर ख़त्म हो रहा था तो ये MTR का जीरा पाउडर है। देन ये है भिंडी, ये है कुंदरू, फिर मैंने मटर मंगवाया है। मटर यहाँ काफ़ी महंगा है, आपके शहर में कैसे मटर है प्लीज़ मुझे बताना, यहाँ पे 85 रुपीज़ केजी है। देन ये है टोमेटो, देन मुझे पाव भाजी बनाने का बड़ा मन हो रहा था तो मैंने ये बन मंगवाया है बेक्ड ब्रेड्स। तो ये बिग बास्केट का ही प्रोडक्ट है, ये 30 रुपीज़ का था तो ये मंगवाया है। और जल्दी आपके साथ पाव भाजी की भी रेसिपी शेयर करूँगी, काफ़ी इजी मेथड से बनाती हूँ मैं। तो मैंने मंगवाया है गोभी, तो सीजनल फ्रूट खाने चाहिए, मैंने ये गोभी मंगवाया है। देन इसमें है ब्रोकली, देन इसमें है कैप्सिकम, फिर कैबेज है, देन ये पम्पकिन है, फिर इसमें में आई गेस बीट रूट है। तो बीट रूट खाना चाहिए, बीट रूट मैं प्रिशा के लिए मंगवाई हूँ तो बीट रूट उसको यू नो स्टीम करके दूंगी, ये फटा हुआ नहीं है। एक मिनट, हाँ यस, इसमें बीट रूट ही है एज यू कैन सी। देन वो है बोदी, तो हमारे यहाँ पे इसे बोदी कहते हैं, इसे आपके यहाँ पे क्या करते हैं मुझे बताना। देन ये है स्वीट पोटैटो, और इसमें है लौकी, इसमें लौकी है, दो लौकी है इसमें। तो ये सारे आइटम मिला के मुझे पड़ा है रुपीज़, एक मिनट बेटा, 586, जिसमें कि 30 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज उसने लिया है। आलू प्याज वगैरह मेरे घर में थे तो इसलिए मैंने वो नहीं मंगवाए हैं। तो ये सबसे बड़ा काम होता है, ये सारी सब्जियां लेके अब मुझे किचन में जाना है। और प्रिशा यहाँ पे है, इसके पापा नहीं है अभी, और पापा गए हैं अभी मछली लाने, उनको बड़ा मन कर रहा था पॉम्फ्रेट खाने का तो वो पॉम्फ्रेट लेने गए हैं। तो यहाँ पे मैंने घी चढ़ाया है, एक्चुअली दूध जब आप लेते हो ना तो उसमें मलाई जो बच जाती है तो उसी का घी बना रही हूँ, और ज़्यादा मलाई खाना भी नहीं चाहिए, तो 8 से 10 दिन में इतनी मलाई निकल जाती है। ओके, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वैभव पॉम्फ्रेट लेने गए थे तो वो लेके आ चुके हैं और अब वो पॉम्फ्रेट फ्राई बना रहे हैं, तो मैं सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और वैभव एक्चुअली ही इज़ वेरी शाई, तो वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते थे, तो मैं भी फोर्स नहीं करती हूँ एक्चुअली। तो जो भी पीपल कम्फर्टेबल नहीं हो तो उसे आप फोर्स नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल, इसलिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो यहाँ पर वो पॉम्फ्रेट में चीरा लगाएंगे सो दैट कि जो भी मसाला वगैरह जो भी वो फिल करें वो अंदर तक चला जाए। तो ये कट करने के बाद इसमें हल्दी अच्छे से मिक्स करना है दोनों तरफ।
अब ये जो पॉम्फ्रेट फ्राई मसाला है इसमें पानी देके एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे और इसे दोनों तरफ अच्छे से कोटिंग करना है। तो इन केस इफ़ यू आर वॉन्डरिंग कि ये कौन सा मसाला है, तो ये वाला मसाला है। और यहाँ पे ये दोनों तरफ कोट करेंगे। एंड काइंडली इग्नोर द मेस गाइस। तो वैभव जब भी काम करते हैं तो काम कम करते हैं, फैलाते ज़्यादा हैं, तो उसके बाद मुझे डबल मेहनत हो जाती है। एनीवेज तो वो दोनों तरफ अच्छे से इसे मसाले को स्प्रेड कर देंगे। और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट घी भी निकल गया है। अब इधर एक पैन में हम पॉम्फ्रेट को फ्राई करेंगे। तो हार्डली इसको 10 मिनट लगेगा दोनों तरफ फ्राई करने में, तो दोनों तरफ पक जाए इतना हमें पकाना है। आप टाइम भी देख सकते हो, वैसे 10 मिनट हो जाता है, 8 से 10 मिनट में ये पक जाता है। ओके, तो यहाँ हमारा पॉम्फ्रेट रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे कुछ अनियन और लेमन के साथ। तो फ्राइड राइस बना रही हूँ, इसके लिए मैं कुछ सब्जियाँ सौते कर रही हूँ, जैसे कि ओनियन, ब्रोकली, पीस, कैप्सिकम। आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। और इसे हमें पकाना है। नेक्स्ट मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड किए थे, फिर कुक्ड राइस ऐड किया। एक्चुअली कुक्ड राइस कुछ ज़्यादा ही बन गया था, आई डोंट नो मेरा ध्यान कहाँ था। एनीवे सुबह भी काम आ जाएगा। टोमेटो सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस। अब इस सारे चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हमारा फ्राइड राइस रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ घी भी निकल चुका है और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इससे भी घी निकालेंगे। तो इसको क्या करना है, हमें सारे जो मसाले बचे हुए जो मसाले हैं इसको एक अच्छे से कंटेनर में डाल दीजिए और इसमें पानी डाल दीजिए और फिर इसको बॉयल करना है। देन वो जो ठंडा हो जाए तो इसको आप फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि इसमें मलाई निकल गई है। एज यू कैन सी इतनी सारी मलाई ऑटोमेटिकली निकल चुकी है। ये सारी सब्जियां वगैरह भी फ्रिज में रखनी हैं। सो सी यू गाइस सून, टिल देन बाय।